प्रधान जी, जैसे अभी ये CAA लागू हुआ है तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं तो इन्हें नागरिकता मिल गई नहीं मिली, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है? ऐसा है, मेरा नाम सुखनंदन प्रधान है, ये श्रीराम कॉलोनी यहाँ कैंप है हमारी, जिसको श्रीराम कॉलोनी कहते हैं। तो इसमें सिटीजनशिप ये है कि 2013 से लगभग जितने भी हैं परिवार उनको लगभग मिल गई है, और बाकी किसी को नहीं भी मिली है तो वो फॉर्म हमने जमा कर दिए गए, तो उसके हिसाब से 2013 वालों को सब मिल गई। ये हमारे से हुआ है अभी तक। अभी हम लोगों ने यहाँ पे राउंड लगाया तो यहाँ पे ना कोई कुछ कहने को तैयार ही नहीं है, वो ये बोल रहे हैं कि प्रधान जी को पता है, तो ऐसा क्यों, वो बता क्यों नहीं रहे हैं? ऐसा है कि उनको ये किसी को नागरिकता मिली है किसी को नहीं मिली है, और अभी 14 से लेके 21 तक की और भी अप्लाई कर दी है गवर्नमेंट ने। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे को नागरिकता मिल रही है, इससे खुशी की बात और कोई कुछ नहीं हो सकती। हमें रोटी मिले ना मिले, खाना मिले ना मिले, फिर भी भारत माता की जय कहेंगे, भारत माता में रहेंगे और भारत माता में मरेंगे, यहीं पैदा होंगे यहीं मरेंगे, वापस पाकिस्तान फिर नहीं जाना, हमें नहीं जाना, क्योंकि हमारा देश है, हमारा माता जी है, हमारी भूमि माता है, भारत देश हमारा है, केवल एक ही देश हिंदुस्तान है हमारा, हिंदुस्तानों का, हिंदुओं का एक ही देश हिंदुस्तान है, उसमें मरना चाहते हैं, मिटना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो इसको भारत को किसी को छीनने नहीं देंगे, हम अपनी गोली बरसा लेंगे, हम मर जाएंगे खुद पे खुद किसी को। तो जब आप पाकिस्तान में थे तो क्या क्या आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी यहाँ के अकॉर्डिंग? ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, जैसे बांग्लादेश का हाल हुआ है, जब सब पता चल गया जब बांग्लादेश में, तो उधर मारकाट छुपके होती थी, और जो आदमी मर जाता था, हम हिंदू हैं, हिंदू संस्कार करते हैं अग्नि संस्कार, वो करने नहीं देते, बोलते हैं बदबू आती है, ये आता है, वो आता है, बहू बेटियों को पढ़ा नहीं सकते हम, 12-13 साल की लड़की पढ़ा नहीं सकते, हमारे को डर रहता था, सारे बच्चे घर में ही रहते थे, कोई पढ़ने जाते थे वापसी आए ना आए, उनका देश है उनकी भारत है, हमारा वहाँ तो राज चलता नहीं है, हिंदू तो वैसे छुप के ही रहता है, हिंदू 2 करोड़ से अब 20-25 लाख रह गया, बाकी कन्वर्ट का हो गए, सारे मर गए, कुछ भी हो गया पर ख़त्म है, 20 लाख रह रहा खाली। तो आप पाकिस्तान से यहाँ पे कब आए? मैं पाकिस्तान से 2013 से आया हुआ हूँ, और 11 से लगभग हम चल रहे हैं, 13 से अब लगातार 2-2-3 दिन परिवार आ ही रहे हैं, धीरे धीरे करके भगवान करेगा तो सब आ जाएंगे। तो जब आप यहाँ पे आए थे तो आपको ऐसा लगा था कि नागरिकता मिलेगी नहीं मिलेगी, तो कुछ मन में था? नागरिकता मिले ना मिले, हम भारत में आ गए, भारत को छोड़ के वापस दोबारा नहीं जाना चाहते, नागरिकता हमारे को मिल गई, रोटी मिले ना मिले, भारत माता का साथ नहीं छोड़ेंगे हम लोग। तो अभी कितने लोग आपकी पहचान में जिन्हें नागरिकता मिली नहीं है? 75। नहीं, ऐसा है कि 80-90 के करीब यहाँ इसी कैंप में हो गई है, बाकी 80-90 के 100 के करीब हमारे फॉर्म जमा है, वो धीरे धीरे करके भी वो नागरिकता मिल रही है, और 11 सेक्टर रोनी में भी ये हाल है, और आदेश नगर में भी है, गोपालपुर में भी है, और सिग्नेचर ब्रिज में है, जो 5-6 कैंप है उनमें सबको लगातार मिल रही है। अब ये फाइनल हो जाएगा 2013 का, तो 15 से शुरू करेंगे 21 तक का, सबको नागरिकता मिलेगी, ये हमें पूरा यकीन है कि नागरिकता सबको मिल रही है। तो आप अभी फिर किसे सपोर्ट करेंगे, बीजेपी या कांग्रेस? मैं बीजेपी का हूँ, जितने भी पाकिस्तान से आएंगे, बांग्लादेश से, कहीं से भी आएंगे, जो नेता है हमारा हिंदू नेता है, नरेंद्र मोदी की जय हो, नरेंद्र मोदी को लाएंगे, फूल बीजेपी के साथ है, मरते दम तक मरेंगे, भले 100 साल हो जाए हम बीजेपी के रहेंगे, चाहे हमें कुछ ना मिले, रोटी पानी कपड़ा कुछ ना मिले, भूख तरह बर्दाश्त करके भी बीजेपी को वोट देंगे और बीजेपी को साथ देंगे और बीजेपी को हमेशा के लिए बिठाएंगे, और पार्टी हमारे को नहीं है बेचारे, बीजेपी हिंदू की तो पार्टी है, रोटी तो मिल रही है, धर्म का तो नारा लगा रहा है, मंदिर बना दिया, और पूरी दुनिया में पहचान नहीं थी कि भाई हिंदुस्तान भी कोई देश है, पूरी वर्ल्ड में अब हिंदुस्तान ही हिंदुस्तान के नारे लग रहे हैं, तो इससे बड़ी बात कौन सी है कि हमारा हिंदुस्तान भी ऊपर हो जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और जब आप यहाँ पे आए थे तो जैसे अभी आप लोग यहाँ पे बैठे, तो आप ऐसा कौन सा काम करते हैं, मतलब खाने पीने रोजगार के लिए रोटी के लिए आप क्या काम करते हैं? के मेरे लड़के हैं बच्चे जो भी है रेडी पटरी लगाते हैं, मोबाइल कवर की लगाते हैं, कोई सब्जी की लगाते हैं, कोई मंडी में काम करते हैं, 200-250 गुजारा कर ही लेते हैं, बहुत बढ़िया जीवन गुजर रहा है, बहुत अच्छा गुजर रहा है, रात को आराम से नींद से सोते हैं, ताकि डर तो नहीं है मुसलमान मार जाएगा लड़की भगा जाएगा कि किसी को मार देगा, ये तो डर नहीं है, भारत में है, भारत माता की गोद में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा हो रहा है, सकून से सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बहुत रहा है, ये 200-250 बहुत है हमारे लिए, बहुत अच्छी बात है। 200-250 आप अभी यहाँ पे सिंगल हो, वहाँ पे आपके भाई बहन भी हैं?
लड़कियाँ पाकिस्तान में बहन भाई फूफी फसाद मामा मामी चाचा चाचा बच्चे बच्चीते सारे वहीं हैं। हमारे ऐसा है जब जब बंटवारे से पहले जो हमारे बड़े रह गए तो उनको ये दिक्कत उठानी पड़ती थी को तो उनके पास ज़मीनें नहीं थी, ज़मीनें थी ज़मींदारों के पास, वहाँ वो कमाते थे ना तो उसको आटा रोटी देते थे, बाकी जितना भी पैसा धन दौलत वो ज़मींदार ले जाया करता, मेरे गुजारा होता था बस, काम करे जाओ नौकरों की तरह उनको देते रहो, ये मुसीबत है वहाँ। ज़मींदारी राज है, 100-100 एकड़ किला 200-200 एकड़ किला उनकी ज़मीनें हैं, हमारे गरीब आदमी क्या करते थे, कुछ भी नहीं करते, कमा कमा के देते थे मजदूरों की तरह। तो वहाँ पे जो आपकी फैमिली मेंबर्स हैं तो वो अभी यहाँ पे नहीं आएंगे? वो भी आएंगे धीरे धीरे करके, हम वहाँ नहीं रहेंगे यहीं आएंगे, हमारा कमाई अच्छी लग रही है, 250-300 रुपया कमा रहे हैं, बहुत दाल रोटी से सुकून से खा रहे हैं पी रहे हैं कमाई, वो भी धीरे धीरे बुलाएंगे सब भाइयों को बुलाएंगे। तो वहाँ से यहाँ पे आने का क्या प्रोसीजर है, मतलब कोई पेपर वेपर फिल करना पड़ता है? नहीं ऐसा है, गवर्नमेंट वीज़ा देती है, भेजती है, हम तो वीज़ा भेज देते हैं, वो आ जाते हैं वीज़ा के थ्रू जाते हैं, तो वीज़ा के तरीके से आते हैं, जत्थे बनते हैं तीर्थ यात्रा के उसके इस तरीके से यहाँ से वीज़ा भेजते हैं वो आ जाते हैं। तो वहाँ पे कोई रोक टोक भी है कि नहीं आप भारत नहीं जा सकते कुछ भी तो ऐसे? वो तो कह रहे हैं कि सारा पाकिस्तान खाली हो जाए हिंदुओं से, तो ये जगहें जितनी ज़मीन घर तड़ हमारे को मिल जाए, वो तो राज़ी हैं भेजने में राज़ी है। तो ये हालात जो बांग्लादेश में हुई है आने वाले टाइम में पाकिस्तान में भी होगी, उसमें कोई दिक्कत वाली नहीं है, वो टाइम नहीं लगेगा बदलने में, एक घंटा भी नहीं लगेगा, जितना हो रहा है वो ज़्यादा हिंदू आ गए, 10-20 लाख रह रहा है हिंदू, अब क्या करा जाए, मजबूरी रह रही है, उनके पास पैसा नहीं है, खाने को नहीं है, 100-150 रुपया किलो आटा है, चावल है, ये है, बहुत महंगाई है वहाँ, कमाई 500 कमा ले तो 150-200 रुपये किलो आटा क्या फ़ायदा, कमाई नहीं है वहाँ और बिचड़ भी नहीं है वहाँ, कमाई का गरीब हाल में गुजारा होता है, पासपोर्ट में 10-15 हज़ार रुपया लगता है, वो पैसा नहीं है उनके पास जो आ जाए। तो वहाँ पे जब आप थे सबसे पहले तो आपके जो पापा रहे होंगे या उनके भी पापा रहे होंगे तो वहाँ पे उनका क्या बिजनेस था? किसान का काम, दादा परदादा थे ना वो किसान हैं, हम लोग वहाँ अभी भी किसान हैं, वहाँ ठेके पे ज़मीनें ले ली या ज़मीन हर पे कर ली, ज़मींदार की ज़मीन लगा ली आधे पे, तो आधा कर देते हैं पर मिलता नहीं आधा, काट के करते जाओ देते जाओ बस उनको कमा के देते जाओ, वो तो कोई हाल नहीं हुआ। अच्छा तो आप मतलब कुल मिला के आपकी पूरी फैमिली आ गई है यहाँ पे? नहीं नहीं अभी 2-3 परिवार भाई बंद सारे हैं सब हैं धीरे। तो आपकी आपके कितने बच्चे हैं अभी? मेरे 3 बच्चे हैं 2 लड़की 1 लड़का है। तो वो सारे यहीं पर हैं अभी? हाँ मेरे पास, मेरे साथ मेरी फैमिली मेरे पास है। अच्छा हाँ। तो वहाँ पे जो लोग हैं जो भी आपके रिलेटिव्स हैं तो उनका कांटेक्ट होता है आपसे? बिल्कुल फ़ोन होता है, बिल्कुल फ़ोन होते हैं उसके साथ, कोई बात ऐसी चिंता नहीं है, फूफी फसाद मामा भाई बन चाचा चाची सारे वहाँ कोई है। तो जैसे आपने बताया था कि जब आप लोग वहाँ पे अंतिम संस्कार करते थे तो तब मनाई थी, तो वहाँ पे फिर आप लोग पूजा पाठ भी नहीं कर पाते होंगे? नहीं पूजा पाठ नहीं है, त्यौहार यहाँ हमारे को पता नहीं था, कड़वा चौथ का त्यौहार का पता नहीं है, गणेश पूजा की पता नहीं है, होली दिवाली का पता था पर वो घर में मनाते थे छुप के, वो इतना वो है नहीं, मंदिर थोड़े हैं, है ही नहीं मंदिर, घर में पूजा करे जाओ, 2-4 मंदिर थे वो पहले जो नवाब शरीफ के दौर में तोड़ दिए गए, अब मंदिर ही नहीं है क्या, घर में पूजा करके अपना गुजारा करते थे, डर डर के रहना पड़ता था। तो आपके जो भी रिलेटिव्स हैं तो उनका यहाँ पे आने का कब तक का सीन है, वो कब तक आ जाएंगे यहाँ पर? अब बुला रहे हैं भाई आ जाओ बस, छोड़ दिया तो छोड़ दिया पाकिस्तान, आ जाओ, ज़मीनें बिके ना बिके, घर बिके ना बिके, आ जाओ खाली, यहाँ गुजारा हो जाएगा, मजदूरी करके अपना जीवन बसर कर लेंगे, आज मजदूरी करेंगे बच्चे पढ़ेंगे आने वाले टाइम में सही हो जाएंगे हम लोग। आपने बताया था कि आपकी वहाँ पे ज़मीन जायदाद वगैरह भी थी जब आप यहाँ पे छोड़ के आ रहे थे, तो आपको दुख नहीं हो रहा था? जब वो मेरी ज़मीन है फिर भी नहीं है तो दुख किस बात का, बच्चे हमारे साथ होने चाहिए, ज़मीन वमीन का कोई डर नहीं है, ज़मीन क्या हमारी है ही नहीं, घर नहीं है, घर है फिर भी नहीं है, ज़मीन है फिर भी नहीं है, क्या फ़ायदा उस ज़मीन का, जैसे मक्खन खाते में दांत टूट जाता है उस दांत का क्या फ़ायदा, मक्खन इतना नरम है खाने से टूट जाता था क्या फ़ायदा, ज़मीन मेरी है फिर भी नहीं मेरा नहीं है, घर मेरा फिर भी नहीं है क्या फ़ायदा, यहाँ अच्छा जीवन बसर हो रहा है, अच्छा बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत अच्छा भारत है, सुकून भारत को मिलता है, जो भारत है जो भारत जैसा देश दुनिया में नहीं है, बहुत अच्छा देश है,
यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, मोहब्बत वाले, प्यार वाले हैं, मार काट नहीं है, अच्छे हैं। जम्हूरियत जो कहते हैं वो भारत में है, परिंदे को भी आज़ादी है। पाकिस्तान जम्हूरियत मुस्लिम लीग है, ये जम्हूरियत है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में एक नंबर है। हर आदमी को, परिंदे को, जानवर को, सबको आज़ादी है, कहीं घूमो, कहीं खाओ, कहीं पियो, मौज मस्ती मारो। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा देश है भारत। जैसा देश दुनिया में नहीं है, ऐसा देश होना चाहिए पूरी वर्ल्ड में। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, जब आप वहाँ से यहाँ पर आ रहे थे भारत में, तो आपने ये नहीं सोचा कि जो बच्चे होंगे उनका फ्यूचर क्या होगा, हमें नागरिकता मिलेगी नहीं मिलेगी? 100 सवाल आते हैं ना जब आप अपनी धरती को छोड़ते हो, अपनी ज़मीन को छोड़ते हो, अपने घर को छोड़ते हो, कि पता नहीं हम वहाँ जा रहे हैं, हमें रहने को मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारे आगे के बच्चे हैं उनका क्या होगा, तो ऐसा कुछ दिमाग में नहीं आया? मेरी बच्चियाँ मेरे साथ रहेंगी, मेरे लड़के मेरे साथ रहेंगे, वो महफूज रहेंगे, तो हम दाल रोटी कमा के मजदूरी करके खा लेंगे। नागरिकता मिले ना मिले, भारत को छोड़ना नहीं है हमें। भारत में रहेंगे, मरेंगे, मिटेंगे, यहीं रहेंगे, भारत माता का साथ देंगे और बीजेपी का साथ देंगे मरते दम तक। बीजेपी जो है पार्टी, ऐसी पार्टी नहीं है, हिंदू की पार्टी है, मरते दम तक उनका हम साथ देंगे। जितनी भी हमारे 100 साल तक, 1000 साल तक हो जाए, हम बीजेपी को वोट देंगे, हमारा बच्चा बच्चा बीजेपी को वोट देगा। चाहे हमें कुछ भी नहीं मिले, गालियां मिले, जेल कबूल कर लेंगे, बीजेपी को वोट देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।